तो गाइस पटना की 5 लाख से अधिक आबादी को जाम से राहत देने के लिए 10 किलोमीटर लंबी अनिसाबाद मोड़ टू पटना एम्स एलिवेटेड रोड को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा मंजूरी दे दी गई है। जी हां गाइस, काफ़ी बड़ी अपडेट आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि है अनिसाबाद टू एम्स एलिवेटेड रोड के बारे में। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ अमन, और गाइस मैं हूं अभी खगौल अनिसाबाद रोड पर, और ये रहा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्मृति द्वार, और अभी मैं इंटर हो चुका हूं फुलवारी शरीफ में। तो मेरे फुलवारी शरीफ वाले जितने भी व्यूवर्स हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस अपडेट के बारे में। तो गाइस चलिए, आज मैं आपको इस वीडियो में अनिसाबाद मोड़ से लेकर पटना एम्स तक जो एलिवेटेड रोड बनाने के लिए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा मंजूरी दे दी गई है उसके बारे में मैं थोड़ा आपको डिटेल बता देता हूँ कि ये जो 10 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड बनाई जानी है वो कैसी होगी और क्या कुछ फ़ायदा होगा यहाँ रहने वाले लोगों के लिए और जो लोग यहाँ से गुजरते हैं उनके लिए भी। तो गाइस यहाँ फुलवारी शरीफ अनिसाबाद रोड पर जितना ज़्यादा जाम आपको देखने को मिलता है पटना में शायद ही कहीं ऐसा देखने को मिलता होगा। आप देख सकते हैं यहाँ दोपहर करीब 2:30 से 3 बजे के आसपास का टाइम है, फिर भी उस साइड आपको जाम लगा हुआ दिख रहा होगा। और इस पर भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ कि अनिसाबाद से लेकर फुलवारी चौक तक एलिवेटेड रोड बनाया जाना चाहिए। सो गाइस फाइनली इस पर काफ़ी बड़ी अपडेट आ चुकी है कि इस फ्लाईओवर के लिए केंद्रीय सड़क मंत्रालय द्वारा मंजूरी मिल चुका है और इसके DPR के लिए 1.5 करोड़ रुपए भी दिए जा चुके हैं, जिसे अगले 3 महीनों में तैयार भी कर लिया जाएगा और DPR फाइनल होने के बाद जून जुलाई तक इसके टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। और मैं आपको बता दूँ कि इस एलिवेटेड रोड पर करीब 1200 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं बात करूँ इस अनिसाबाद एम्स एलिवेटेड रोड के बारे में, तो ये फ्लाईओवर अनिसाबाद मोड़ से लेकर पटना एम्स कोलंबर तक 8 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड होगा, जो कि 4 लेन का बनाया जाएगा। वहीं इसके दोनों साइड 1-1 किलोमीटर का अप्रोच रोड भी होगा। और गाइज इतना ही नहीं, इस एलिवेटेड रोड को 6 अलग अलग सड़कों से भी कनेक्ट किया जाएगा, जिससे लोग इस एलिवेटेड रोड पर चढ़ सकेंगे। तो गाइज अब बात आती है कि इस एलिवेटेड रोड पर लोग कहां कहां से चढ़ सकेंगे। तो अगर मैं बात करूं अनिसाबाद साइड से, तो सबसे पहले आप चितकोरा मोड़ से इस एलिवेटेड रोड पर चढ़ सकते हैं, वहीं इसके बाद पटना बाईपास रोड से, फिर उसके आगे जगदेव पथ फुलवारी रोड से, देन दानापुर स्टेशन से, और पटना एम्स गोलम्बर के पास दीघा एम्स एलिवेटेड रोड से भी गाड़ियां इस एलिवेटेड रोड पर चढ़ सकेंगी। वहीं आखिरी कनेक्टिविटी नौबतपुर रोड से दी जाएगी। यानी यार कनेक्टिविटी के मामले में भी इस एलिवेटेड रोड को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। और गाइज इस एलिवेटेड रोड के बनने से फ़ायदा क्या होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी अनिसाबाद मोड़ से लेकर पटना एम्स तक दिन भर ट्रक बस और अन्य वाहनों की लाइन लगी रहती है, जिससे आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। वहीं इस एलिवेटेड रोड के बन जाने से इन इलाकों के 250 मोहल्लों में बसे लोगों को जाम से काफ़ी हद तक छुटकारा मिल जाएगा। और इस एलिवेटेड रोड के थ्रू बख्तियारपुर की तरफ से कोइलवर पुल और पालीगंज विक्रम के तरफ जाने वाली गाड़ियां ऊपर ऊपर इस एलिवेटेड रोड के थ्रू निकल जाएंगी। वहीं इसके अलावा सोनपुर और मुजफ्फरपुर की तरफ से भी JP सेतु और दीघा एम्स एलिवेटेड रोड के थ्रू गाड़ियां पटना बाईपास रोड पर बड़ी ही आसानी से पहुंच जाएंगी। सो गाइज इस एक एलिवेटेड रोड के बनने से इतनी सारी कनेक्टिविटी एक साथ मिल जाएगी पटना और उसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए। इसी वजह से मैंने इस रोड पर एक एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाया जाना चाहिए उसके लिए एक वीडियो बनाया था, और फाइनली इस पर एक बड़ी अपडेट भी आ चुकी है। तो गाइज आपको कैसा लगा ये अपडेट ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, और अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पटना की ऐसे ही तमाम अपडेट पाने के लिए। तो मिलता हूँ मैं आपसे एक नई जगह की अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज़।